दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों डेकाडुराबोलिन इंजेक्शन जो आता है नैंड्रोलिन ग्रुप का, वह 25 mg में भी आता है, 50 mg में भी आता है और 100 mg में भी आता है। आप लोग बताऊंगा कि यह डेकाडुराबोलिन इंजेक्शन किन किन बीमारियों में काम आता है, क्योंकि नॉर्मली आम आदमी को नहीं मालूम है इसकी बीमारी की किन किन बीमारियों में यूज होता है, अतः लोग इसका सही तरह से लाभ नहीं उठा पाते हैं। आम लोगों को जानकारी है कि यह केवल ताकत का इंजेक्शन है, लेकिन दोस्तों ताकत का ही नहीं, यह बहुत सारे रोगों में काम आता है। तो किन किन रोगों में काम आता है आज मैं आप लोगों को शुद्ध और सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट गुजारिश है, दोस्तों आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ताकि आप जानकारी ले सकें। दोस्तों मेरा हर वीडियो भी काफ़ी यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, आप लोग जरूर देखना, समझना, शेयर जरूर करना। तो दोस्तों चलिए मूल मुद्दे पाते हैं। दोस्तों डेकाडुराबोलिन इंजेक्शन जो नैंड्रोलिन ग्रुप का आता है, यह 50 mg में भी आता है, 25 mg में भी आता है, 100 mg में भी आता है। इंजेक्शन ओनली फॉर एडल्ट के लिए है, बच्चा के लिए नहीं है, ओनली फॉर एडल्ट। इसको जवान आदमी, बूढ़ा आदमी और लेडीज तीनों में कोई ले सकता है। नॉर्मल लोग जानते हैं कि यह ताकत का इंजेक्शन है। दोस्तों ताकत का इंजेक्शन है, यह IM यानी मस्कुलर कुल्हे पे लिया जाता है। यह 1 ml का इंजेक्शन आता है, यह कुल्हे पे लिया जाता है। तो जिनको कमजोरी है, शरीर में ताकत नहीं पड़ रहा है, जान नहीं पड़ रहा है, चलने फिरने में तकलीफ है, चलने में लड़खड़ा रहे हैं, बाहुबल नहीं है, पैरों में ताकत नहीं आ रही है, यानी किसी तरह से वीकनेस है, यह उसका रामबाण दवा है। आप इसको 8 दिन में 1 इंजेक्शन लिया जाता है, वो भी डॉक्टर किसी डॉक्टर के देखरेख में, डॉक्टर के सलाह में। अगर आपका BP हाई है तो डॉक्टर सलाह से लें, उसके देखरेख में लें, अन्यथा ना अपने आप से ना लें, क्योंकि यह BP को हाई करता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। अतः कभी भी डॉक्टर के सलाह से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा करके ही लिया करें। 8 दिन में 1 बार लिया जाता है, इसका फर्स्ट फायदा है। दूसरा फायदा है दोस्तों, जिन पुरुषों में इम्पोटेंसी की बीमारी है, सेक्सुअल वीकनेस है, वो भी इसे 8 दिन में 1 बार ले सकते हैं। यह काम उत्तेजना को बढ़ाता है, काम शक्ति को बढ़ाता है, उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। जिन लोगों को लकवा या फालिस मार गया है, लकवा या फालिस में यह इंजेक्शन बहुत ही अच्छा सटीक काम करता है, बशर्ते कि इसका यूज डॉक्टर के देखरेख में करना चाहिए और डॉक्टर इसका यूज करते हैं, या खुद से लेने कोशिश ना करें। यह लकवा या फालिस बहुत जल्दी ठीक करने में सहायता पहुंचाता है। जिन लोगों को अभी लगता है जवानी में ही बुढ़ापा आ रहा है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ रही है, चमक खत्म हो रहा है, जोश खरोश नहीं है, सुस्ती आ गया है, सुस्ती घेर रखा है, काम में दिल नहीं लगता है, आंखों की रोशनी डाउन हो रही है, चेहरा सूख रहा है, हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं, वो लोग भी इसका इंजेक्शन डॉक्टर के देखरेख में 8 दिन में 1 बार ले सकते हैं। एडल्ट आदमी, लेडीज या जेंट्स या बूढ़ा आदमी भी ले सकता है इसको, ये बहुत ही सटीक और बढ़िया फायदा करता है। इसके बाद आता है दोस्तों, यदि आपको ऐसा कहीं से फीलिंग होता है कि शरीर में झंझनाहट है, कपकपी है, थरथरी है, किसी शरीर किसी पार्ट में लगता है कोई चूंटियाँ चल रही हैं, फॉर्मिकेशन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, मैंने यानी लगता है बॉडी किसी पार्ट में चूंटियाँ चल रही हैं, कीड़े रेंग रहे हैं, ऐसा महसूस, रियल में ऐसा होता नहीं, आपका महसूस होता है कि बॉडी में कहीं चूंटियाँ चल रही हैं, कीड़े चल रहे हैं, तो वहाँ भी इसका इंजेक्शन इसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ भी यह सटीक काम करता है। आपके बॉडी में यदि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है, ताकत की कमी हो गई है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी 12 विटामिन समाए जाते हैं, तो इसको लेने से 12 विटामिन आपको मिल जाते हैं। अतः शरीर में अदर जो भी दिक्कतें हैं, अनिद्रा हुआ, तनाव हुआ, काम में जी नहीं लगना,
जल्दी थकान महसूस होना, तेज़ चलना चाहते हैं तेज चल नहीं पाते हैं, जिन्हें यानी सीढ़ी पर चढ़ने उतरे में आप जल्दी हाँफने लगते हैं, जिन्हें चढ़ने में पैर काम नहीं करता आप हिलने लगते हैं, थरथराने आपको थरथराहट आ जाती है, तो वहाँ भी इसके इंजेक्शन का इस्तेमाल आप 8 दिन के बाद मस्कुलर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई टीबी का मरीज भी इसका इस इंजेक्शन को ले सकता है, क्योंकि नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं आदमी कमज़ोर करती हैं, तो वहाँ भी इसको दिया जाता है उसके साइड इफेक्ट को काटने के लिए। लेडीज भी आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी होने के बाद यानी बच्चा जन्मने के बाद लेडीज भी इस दवा को इंजेक्शन को लेना चाहिए, डॉक्टर लिखते हैं, अतः जो भी उनको अंदर कमजोरी आती है, खून कमी आती है आफ्टर डिलीवरी, वो उसमें काफ़ी जल्दी रिकवरी करने में सहायता करता है, अतः यह इंजेक्शन आफ्टर डिलीवरी भी माता बहनों को भी लेना चाहिए, लेकिन किसी गायनी डॉक्टर के देख रेख में सलाह में। तो इतने सारे फायदे बता दिए, जिसके मोस्टली फायदे और ही फायदे हैं, लेकिन इतना फायदे तो आप पहले जान लो, इसका उपयोग करें, फ़ायदा उठाएँ। चलिए, जय हिंद जय भारत।